जी पहले तो नमस्कार आप सभी को। आज यहाँ मैं ब्रजेश कुमार सिंह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है स्वतंत्रता दिवस का महत्व और समर्थन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मैं अपना वक्तव्य ऐसी पंक्ति से शुरू करने जा रहा हूँ जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों द्वारा हमें एक संदेश था कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, हाँ लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत हमने की, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। पहले तो यहाँ उपस्थित निर्णायक गण, सहपाठी और सहमित्रों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 हमारा आजादी का दिन है। केवल हम इसे इसलिए नहीं मनाते कि ये हमारी 150-200 सालों की आजादी के कश्मोकश और जद्दोजहद के बाद एक परिणाम था। ये हमारे लिए एक ही ऐसा पल था जब इस पुण्य भूमि भारत ने, इसमें पैदा हुए ऋषियों, तपस्वियों, महानीय लोगों ने यह अनुभव किया कि हमारा और उनका पुरुषार्थ स्वतंत्र है। जब देश की माओं ने अनुभव किया कि उनकी सोच की चूनर अब स्वतंत्र है, जब देश की बेटियों ने यह अनुभव किया कि देश की बेटियों ने अनुभव किया कि उनका उनकी स्वतंत्रता, उनका आजादी अभी स्वतंत्र है। और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को जब सूरज निकला तो ये इस आजाद भारत देश का, आजाद भारत के नागरिक का एक आजाद और स्वतंत्र सवेरा था। इसी के साथ अगर मैं यहाँ देखूं तो आज के प्रतियोगिता में जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे वो निर्णायक गण से लेके, चाहे मेरे सहपाठी सहमित्र जो भी हो, वो सभी बहुत खुशकिस्मत हैं और उनको इस बात पे बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि उन्होंने अपनी पहली सांसें आजाद भारत के देश की भूमि पर ली। आज के समय देखा जाए तो ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि आज हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो आजादी दिवस की शुभकामनाएं हो चाहे कुछ भी हो, हम उसको बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर कुछ शब्दों के साथ बयां कर देते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो के साथ अंकित कर बयां कर देते हैं। मैं बताऊं उस समय आजादी कितनी मुश्किल होगी, जब कहना दुश्वार था, जब लिखना दुश्वार था, जब बोलना दुश्वार था। उस वक्त एक ब्रिटिश शासक के अगेंस्ट, के खिलाफ हमारे देश के नेताओं से लेके निचले वर्ग के हर लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। आज के दिन तो इसमें मैं बताऊं कि स्वतंत्रता का महत्व हमें जानना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इस बात को पढ़ सकते हैं, हम इस बात को सोच सकते हैं, बनाई गई फिल्मों, नाटकों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते कि कैसे आजादी प्राप्त की गई होगी। इसमें हमें स्वतंत्रता के महत्व को जानने की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसा कि देखा जाए तो स्वतंत्रता के कई और नाम हैं, आजादी, स्वच्छंदता, मोक्ष, स्वावलंबन, लेकिन इन सभी का अर्थ एक ही है, अधिकार। 15 अगस्त का यह दिन भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह वही दिन है जिस दिन भारत को ब्रिटिश के राज्य से आजादी मिली थी और भारत के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान को त्यागा था भारत की आजादी के लिए। मैं अगर बताऊं तो अंतिम, मैं अपने वक्तव्य को अंत करते हुए कुछ पंक्ति के साथ अंत करना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज के समय में भारत के घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में ये झंडा लगाते हैं, शान से झंडा लहराते हैं, जब ये झंडा लगाते हैं और जब ये झंडा लहराता है, मानो सीने में एक सुकून सा पैदा हो जाता है। क्या ये झंडा हवाओं से लहराता है? मैं अपने भारत देश के हर वासी, हर बच्चे, हर बुजुर्ग से पूछना चाहूंगा कि क्या ये तिरंगा हवाओं से लहराता है? नहीं, ये तिरंगा उनकी सांसों से लहराता है जिन्होंने अपनी जान, अपनी त्याग, अपनी सांसों को त्यागा इस तिरंगे को इस भारत देश की भूमि पर लहराता हुआ देखने के लिए। और ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा क्योंकि ना जाने कब, ना जाने कितने सैनिक और कितने किसान हर दिन अपनी सांसों को त्यागते हैं इस तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।